गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैम ने आपको आपकी भाषा अभ्यास बुक का पार्ट 7 दादी का रेडियो के प्रश्न 1 से 5 करवाए थे। आज हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। आपको पता ही है कि लिंग बदलों का अर्थ क्या होता है। जैसे मामा के साथ कौन होती है, मामी, माता, पिता, चाचा, चाची। तो आपको इन शब्दों के लिंग बदलकर लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द है दादा। अब दादा के साथ कौन होती है, दादी, भाई, बहन, चाचा, चाची, लेखक, लेखिका। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के शब्द युग्म यानी कि इनके जोड़े छांटकर लिखने हैं। अब वो कौन कौन से शब्द है, फिरना, देना, बैठना, लिखाई। अब हमें इन शब्दों को इनके आगे लिखना है। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई का युग्म शब्द क्या बनेगा, लिखाई। घूमना, फिरना, उठना, बैठना, लेना, देना। अब आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों के का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला शब्द है हॉल, अब इसका वाक्य बनेगा पूरा हॉल बच्चों से भरा हुआ है। अगला है कॉफी, अब इसका वाक्य बनेगा मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है। अगला शब्द है बॉल, अब इसका वाक्य बनेगा मैं बॉल से खेलता हूँ, और लड़कियां लिखेंगी खेलती हूँ। आप यही वाक्य भी लिख सकते हैं या अपनी तरफ से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, आपको एक पत्र दिया हुआ है, आपको उस पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसे याद भी करना है। अब इसमें आपको कुछ परिवर्तन भी करने हैं। अब पत्र क्या है, अपनी दादी के जन्मदिन पर आपको एक बधाई पत्र लिखना है। अब इसमें जो पता दिया हुआ है आपको उसको क्रॉस करना है, और उसकी जगह पर आपको कौन सा पता लिखना है, उसकी जगह पर आपको लिखना है परीक्षा भवन, क ख ग शहर, दिनांक। दिनांक का अर्थ होता है डेट। अब जिस दिन आप ये पत्र करोगे उस दिन की दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। अब सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है इसमें, पूज्य दादी जी सादर प्रणाम, हम सब यहाँ पर कुशल है, आशा करता हूँ। अब लड़कियां हैं जो, वो करता हूँ की जगह क्या लिखेंगी, करती हूँ, कि आप सभी भी ठीक होंगे। आज आपका जन्मदिन है, इस अवसर पर हम सबकी ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे आपका जन्मदिन मनाने के लिए आना था, लेकिन आज से मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। अब लड़कियों को सकूंगा की जगह क्या करना है, सकूंगी। परीक्षाओं के खत्म होने पर मैं आपके पास आऊंगा की जगह लड़कियां क्या करेंगी, आऊंगी। और आपके हाथ का हलवा और खीर खाऊंगा की जगह खाऊंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अब लड़कियां इसकी जगह लिखेंगी करती हूँ, कि आपका जन्मदिन व आने वाला समय मंगलमय हो, और मैं हर साल खूब धूमधाम के साथ आपका जन्मदिन मनाऊं। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना और पत्र का जवाब जरूर दीजिएगा। आपका पोते की, पोता की जगह आपको क्या करना है, आपकी पोती, और यहाँ पर आपको सब बच्चों को अपना अपना नाम लिखना है। अब आप सबको इस पत्र को याद भी करना है। धन्यवाद।